क्योंकि एक ऐसा वक्त भी आया जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। ना वो मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, मैं उतना ही ऊंचा उठूंगी। मैं चाहती हूँ कि मतलब हर एक लड़की स्ट्रांग बने। मतलब बचपन से ही मेरा एक लगाव रहा है नेचर के साथ। इंसान अगर एक बार नेचर के साथ जुड़ता है ना, तो नेचर उसको वापस नहीं छोड़ता। कश्मीर में ये है कि जिनके पास अप्रोच होता है और जो जीरो होते हैं उनको हीरो बना देते हैं। जब मैंने क्लाइंट किया था तब सबकी अप्रिसिएशन आई मुझे इन सोशल मीडिया पे, बट उसके बाद कोई सामने नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह। नाज़रीन, हर किसी की ज़िंदगी में एक ख्वाब होता है और उस ख्वाब को पूरा करना बड़ी बात है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने चाहते हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में ख्वाब देखा और उस ख्वाब को बखूबी अपने अंजाम तक पहुँचा। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान है वो कश्मीरी खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्रॉस किया, माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ी। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ है नाहिदा मंजूर। नाहिदा जी, आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। थैंक यू सो मच कि आज आप आए मेरे पास, कि मैं आप मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि बाकी जो नौजवान हैं उनको भी एक एडवाइस दे सकूँ, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपने मुकाम में सक्सेस पाए। नाहिदा जी, हम पहले स्टार्ट करेंगे, आपने जो माउंटेन क्लाइंबिंग सपना देखा वो आप बेसिकली कहाँ से आपको शो मिला? एक्चुअली मैं जब 10 साल की थी मैं तब से हाइकिंग करती थी। जो हमारे घर के पास आपने देखे पहाड़ है, तो मैं हमेशा वहाँ पे जाती थी। तो एक्चुअली मैं इंडिविजुअल गेम्स खेलती थी, जैसे स्कूल में वॉलीबॉल है, बैडमिंटन, टेबल्स ऐसी। तो 2016 में मैंने NCC ज्वाइन किया, तो वहाँ पर जो हमारी मैम थी उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास एक वैकेंसी आई है माउंटेनियरिंग कोर्स की, तो उन्होंने मेरा नाम आगे फॉरवर्ड किया और मेरी सिलेक्शन हो गई। मैं बेसिक कोर्स के लिए चली गई उत्तराखंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। तो वहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट है, पहले मेरे को हाइकिंग पता था, ट्रैकिंग पता था, लेकिन जो माउंटेनियरिंग में आपको कुछ अलग सिखाया जाता है, तो मेरा जो इंटरेस्ट है और बढ़ने लगा। फिर मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग मनाली से किया, और उसके बाद मैंने MOI किया, स्पेशल माउंटेनियरिंग कोर्स किया, बेसिक स्कीइंग कोर्स किए, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स किया। तो ये जो इंटरेस्ट है मेरा ऐसा बढ़ा कि मैं नहीं है, अब तो मेरे को माउंट एवरेस्ट करना ही करना है। जब भी मेरे कोर्सेज होते थे, जो भी मेरे वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स होते थे, तो मुझ में एक ही खूबी थी, अगर कोई 10 केजी का बैग उठाता मैं उनसे डबल उठाती 20 केजी का, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट जो है वो सर करना है। तो उसके बाद जो है मेरे जो टीचर्स थे वहाँ पर उन्होंने बोला ये लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। MOI में ऐसा हुआ कि हमारे 350 वॉल्स फीट है, तो यहाँ से उस पर जुमारी करनी थी और वहाँ से रैपिंग। उस दिन क्या होता है, मैं हमेशा चोटी करके रखती थी, उस दिन मेरे बाल जो है चोटी नहीं थी बालों में। तो जब मेरे को रैपलिंग करनी थी, मैं जब रैपल करी थी बीच 350 फीट वॉल पे मैं बीच में अटक गई, जो मेरे बाल है ना वो डिसेंडर में अटक गए। तो फिर नीचे से सर सब लोग चिल्ला रहे हैं, यार इस बच्चे का रेस्क्यू करना पड़ेगा अब यहाँ से। मैंने बोला सर आप रुको वहीं पर, आप चिल्लाओ मत। तो मैंने खुद ही रेस्क्यू किया वहाँ पर और वापस आ गई सेफली नीचे। तो सर बोलते यार लड़की क्या है, क्या दम है इस लड़की में, ना इसने चूक किया ना इसने चाक किया। अच्छी अगर मेरे को दर्द भी होता है, मैं बीमार भी होती हूँ, मैं नहीं जताती कि मैं बीमार हूँ, मुझे दर्द है, मेरे को बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी है। यस बिल्कुल, मैं फिज़िकली और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अपने आप को कभी टूटने नहीं देती हूँ। तो और फिर मेरे घर वालों को सपोर्ट मुझे मिला, तो फिर मैंने क्राउड फंडिंग ऑनलाइन स्टार्ट की किटो से। वो जो पोस्ट है वो देखे ग्रेटर कश्मीर ने अपने न्यूज़पेपर पे आर्टिकल दिया कि हमारी कश्मीर की ऐसी खातून है उनको माउंट एवरेस्ट जाना है, तो वो फंड जो है रेज करना चाहती हैं। वो पोस्ट देखे जो TCI मैक्स है हमारे, उन्होंने जो बोला पहला कदम उन्होंने ही आगे बढ़ाया कि हम इस खातून को स्पॉन्सर करेंगे। उसके बाद JK टूरिज़म, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, JK स्पोर्ट्स काउंसिल, इन्होंने भी आगे हाथ बढ़ाया। DC श्रीनगर सर, उन्होंने भी हाथ आगे बढ़ाया, और जैफरॉन ड्रिंकिंग वाटर और DRG CRPF, खाली ये सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम पे। और उसके बाद मेरे को ये भी सुनने में आया, बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया। मुझे बस इन्हीं लोगों ने स्पॉन्सर किया, मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप क्रेडिट मत लो, जिन्होंने स्पॉन्सर किया मैं उन्हीं का नाम लेना चाहती हूँ। तो उसके बाद मेरी जो जर्नी है 6 अप्रैल को स्टार्ट हुई,
फिर ये 10 दिन लगे मेरे को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचने तक। हम लोग 18 को वहाँ पहुँचे अप्रैल 2019 में। तो उसके बाद 2 दिन हमें वहाँ पर रेस्ट मिला। 21 अप्रैल को हमारी जो है वहाँ पर पूजा होती है वो हुई। उसके बाद 22 को हम लोग कैंप 1 कैंप 2 ऐसे रोटेशन के लिए गए एक्लिमेटाइजेशन के लिए। हुआ यूँ कि जब हम पहले 22 को जब निकले तो हम लोगों को क्या है जो ट्रिपल सी लैडर्स हैं वहाँ पे पहले हम लोगों को वहाँ तक लेकर गए। तो वहाँ से आके शर्मा भाई यार ये बच्चे तो 3 घंटे में ही कैंप 1 पहुँच जाएंगे इतने तेज़ है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। फिर ऐसे रोटेशन जो हमारे चलते गए कंटिन्यूसली, फिर 2-4 दिन के लिए हम लोग को बेस कैंप से नीचे जाना पड़ा दिबोचे। तो वहाँ पे जो हमें रिकवरी के लिए टाइम मिला 3 दिन के लिए, उसके बाद फिर वापस हम लोग को बेस कैंप आना पड़ा। फिर जो है हमारी जो लास्ट जो जर्नी है एवरेस्ट समिट की वो 18 को स्टार्ट हुई। 18 को हम लोग डायरेक्ट निकले सीधे हम लोग कैंप 2 गए। तो वहाँ पे हम लोग ने नाइट स्टे किया। जब हम 18 को कैंप 2 की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर एक लाश का तब रेस्क्यू हो रहा था, वो आ रही थी वहाँ, क्योंकि वहाँ पर डेथ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ से वो लेकर आ रहे थे। और फिर उसके बाद जब कैंप 2 में हम लोग को 19 को रेस्ट था, फिर 20th को हम लोग कैंप 3 के लिए निकले। देन फिर वहाँ पे हम लोग ने फिर से रेस्ट किया एक नाइट का। 21 को हम कैंप 3 से कैंप 4 के लिए निकले। वहाँ पे हम लोग 4 बजे पहुँचे कैंप 4। तो कैंप 4 हम 4 बजे पहुँचे और वहाँ पे 2-3 घंटे का रेस्ट मिला। और वहीं पर शाम को 21 को 7 बजे हम लोग को क्लाइंब स्टार्ट करना पड़ा। देन हम मॉर्निंग में 22 को 9:35 ऐसे आसपास समिट पे पहुँचे। देन रिटर्न वापस आए और मेरी जो 3 उंगलियाँ इसमें फ्रॉस्ट बाइट हुआ था सेकेंड स्टेज का, तो वहाँ पे एक फॉरनर है उन्होंने जब रिटर्न आई कैंप 2 पे उन्होंने मेरे को एक इंसुलिन दिया फ्रॉस्ट बाइट का, अदरवाइज मेरा 3rd स्टेज हो जाता शायद से, मेरे को फिर 3 उंगलियाँ काटनी पड़ती। तो फिर ये मैं फिर काठमांडू में रेस्ट करी 2-5 दिन। फिर कश्मीर आई, बहुत अच्छा वेलकम हुआ स्पॉन्सर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, अपने क्लब की तरफ से बहुत अच्छा वेलकम हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद वही कश्मीर की जो आदत थी है क्या यम हैगन ने वित सक्सेस इंसान किया वनिकानेशन बिहित हमें से पुराने जो माउंटेनियर 100 साल पुराने हैं ना अभी तक उन्होंने ट्राई नहीं की ये कूरा मान जाते अम हा मको सोरे कर सोरे नो अमी बागें थो न कहें पचान कत ना मतलब पीछे खींचने की बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई बहुत ज़्यादा। एक बंदे ने इतने गिरे बशीर जो हमारे एडवाइज़र साहब है बशीर अहमद खान उनकी धमकियाँ देने लगे मेरे को, वो मेरे अंकल है आपको वो कराऊंगा मैं मतलब कोई बात नहीं। मैंने उसके खिलाफ डायरेक्ट क्राइम ब्रांच में केस जो है दर्ज किया, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी आया जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। बट जो मेरी फैमिली है उनका जो सपोर्ट है हमेशा मेरे साथ रहा, क्योंकि जो फैमिली है जब तक उनका सपोर्ट नहीं होता इंसान कुछ नहीं। आपने बात की आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में कहा आपने मैं स्ट्रांग हूं, वजह क्या है आप इतने स्ट्रांग होकर फिर आपने ऐसा कदम? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल हरेसमेंट किया, मतलब कहीं भी अभी भी अगर आप ये वीडियो भी पोस्ट करोगे ना वो भी पुराना लिंक ला के वो वहाँ पर ये करेंगे बोलेंगे ऐसे एवरेस्ट नहीं किया वो, मैं अभी भी बोल रही हूँ ऐसा है, बट उससे मेरे को ही फ़ायदा हो रहा है। जितना वो मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे मैं उतना ही ऊँचा उठूँगी, उसमें नुकसान उनका है ना कि मेरा। बट जब मेंटल हार्शमेंट होता है ना बहुत कुछ उन्होंने बोला, मतलब मैं आपको सबूत भी दिखा सकती हूँ उन्होंने क्या क्या मुझे बोला। बट फिर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आप स्ट्रांग हो, आपको दुनिया को नहीं दिखाने के लिए किया, आपने खुद के लिए किया, अपना ड्रीम जो है फुलफ़िल करने के लिए। फिर एक होता है ना हम 3 बहनें हैं तो मम्मी पापा हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं हमेशा, हमें कभी बेटों से कम नहीं समझा। और यहाँ के हमारे आस पड़ोस भी बोलते हैं ये जो इनकी लड़कियाँ हैं ये 100 लड़कों के बराबर हैं। तो आखिर मैं चाहती हूँ कि मतलब हर एक लड़की स्ट्रांग बने, मतलब जैसे भी हर एक जैसे अभी डांसर है सिंगर उन पे भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं नाचन वाजन एंड ऑल दैट ये सिंगर है ऐसे, मैं चाहती हूँ कि वो अंदर से स्ट्रांग बने, लोगों का मत सुने, जो आपका जो पैशन है आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करें और मेरी तरह आगे बढ़े। नहला जी प्रोग्राम की शुरुआत में आपने कहा जो आपकी लोकेलिटी में है पहाड़ है, ऐसे लगता है आपको जो पहाड़ों से मोहब्बत होगी अपनी लोकेलिटी से होगी? बिल्कुल, मैं बचपन से इन्हीं पे जाती थी, जब भी हम लोग जैसे सब लोग गुलमर्ग ऐसे निशाची गुलमर्ग पिकनिक जाते थे बचपन में, हमारे घर में जितने भी कज़न हैं सबको मैं वहाँ पे लेकर जाती थी, लंच पैक करते थे ड्यू लेस सब कुछ वहाँ पे ही हम लोग चलते थे माउंटेन्स पे ही। मतलब बचपन से ही मेरा एक लगाव रहा है नेचर के साथ, इंसान अगर एक बार नेचर के साथ जुड़ता है ना तो नेचर उसको वापस नहीं छोड़ता।
पहला जब अपने अपने घर वालों को वहाँ में माउंटेनियर करना है, मुझे क्लाइम करना है माउंटेन, उस वक्त घर वालों का रिएक्शन क्या था? ऐसी क्या है ना, मेरे पेरेंट्स जो बचपन से ही सपोर्टिव थे, स्पोर्ट्स के ज़्यादा थे, तो घर वालों ने ही बोला ना भाई जाओ, जो आपका मन करे आप वही करो, क्योंकि मेरे को पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं था, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, पढ़ाई में मैंने बहुत मिस भी की है पढ़ाई तो, बट मेरा स्पोर्ट्स की ओर कंटिन्यूसली ध्यान था, तो पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर एक फील्ड में, बोला आपका जो मन है, खाली मेरे को नहीं हम तीनों बहनों को, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करो, हमारा काम है आपको सपोर्ट करना। नाजी जी, माउंटेनिंग स्पोर्ट्स के अलावा आपकी जो रुझान है, आपकी जो इंटरेस्ट है, किसी और फील्ड में भी है? हाँ, राइफल शूटिंग, मुझे राइफल शूटिंग बहुत पसंद है, वो मैंने एनसीसी थ्रू सीखी है, फिर मैंने जब एनसीसी में सुनी उसके बाद मैं चैन सिंह जो हमारे हैं उनको मैं टेक्स्ट किया, सर मुझे ऐसे राइफल शूटिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे बोला था दिल्ली आओ तो मैं आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन किसी वजह से फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं जा पाई वहाँ पर, और मैंने जो है अभी अपना एडवेंचर बिजनेस स्टार्ट किया है, पापुरी एंड डॉटर्स एडवेंचर्स, जहाँ पे मैं कैंपिंग करवाती हूँ, ट्रैकिंग करवाती हूँ, खास का जो मेन फोकस है मेरा उसमें वो है स्कूल कैंपिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे कश्मीर में स्कूल कैंपिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है ना खाली ट्रैक्स करवाते हैं, मैं चाहती हूँ मैं बच्चों को ज़िपलाइन करवाऊँ, रॉक क्लाइंबिंग करवाऊँ, रिवर क्रॉसिंग करवाऊँ, ऑब्स्टेकल्स करवाऊँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और कभी भी हिम्मत ना हारे। अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो पहाड़ है काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन जो अगर हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स की बात करेंगे बहुत कम एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही है, आप किस तरीके से देख रहे हो जो माउंटेनियरिंग है यहाँ पे कश्मीर में? किस हद तक वो, मैं आपको बोलूं तो अभी जैसे कोविड हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडवेंचर के साथ जुड़ चुके हैं, अभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा जो है एक्सपोजर मिल जाए हमारे कश्मीर वैली को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, जन्नत है कश्मीर जिसको बोलते हैं वो ये है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग और आगे आए एडवेंचर, था कि मैं खासकर उनको बोलना चाहूँगी जो ड्रग के साथ जुड़े हुए हैं वो ड्रग वग सब छोड़े, बस एक बार नेचर के साथ जुड़ जाए, जो आपकी बुरी आदतें हैं वो आपसे खुद ही खुद छूट जाएगी। जितनी भी हम कश्मीर में जगह देखते हैं, क्या आपको लग रहा है यूटिलाइज हो रहे हैं प्रॉपरली माउंटेनियरिंग की अगर हम बात करें? एक्चुअली मैं माउंटेनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, खाली माउंटेनियरिंग के स्पोर्ट्स का ही कोई सपोर्ट नहीं है कश्मीर में, ये है कि जिनके पास अप्रोच होता है और जो ज़ीरो होते हैं उनको हीरो बना देते हैं, और जो बेचारे पुअर फैमिली से बिलोंग जिनको अप्रोच नहीं होता वो हीरो से बेचारे खुद ही ज़ीरो बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अलग पैकेज आए जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ताकि उसमें कोई मिडिल क्लास फैमिली या हायर क्लास फैमिली ये इन्वॉल्व ना हो, खाली उन बच्चों को, पुअर बच्चों को ही वो पैकेज मिले इंडिविजुअली, वो अपना टैलेंट जो है बाहर ला सके, क्योंकि हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा पुअर बच्चों में ज़्यादा टैलेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे क्या रोल बनता है, क्या वो वाकई जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देती है? बिल्कुल भी नहीं देती, मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। 2019 से मैंने एवरेस्ट किया, मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिले, आप अदर स्टेट्स में जाओ आप देखो उनको कितने बेनिफिट्स मिले, अगर वहाँ से नेशनल कोई लेकर आता है, हमारे कश्मीर में इंटरनेशनल बैठे हुए उनको कोई नहीं मिला, आप देखो बाहर नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट में ना उनको बेनिफिट्स मिले जो स्पोर्ट्स के हैं, बट हमारे जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह पर नहीं मिलता। नादिया जी, क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में कभी लाया है मैंने और माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है ऐसी चीज़ें? हाँ, हमें भी बेनिफिट है, बिल्कुल। वहाँ से जवाब क्या आया आपको? जब मैंने क्लाइम किया था तब सबकी अप्रिसिएशन आई मुझे इन सोशल मीडिया पे, बट उसके बाद कोई सामने नहीं आया। अगर अभी भी आप, मैं अभी भी चाहती हूँ स्पॉन्सरशिप कहीं पे भी, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम, कोई आधे तो मजाक करते हैं स्पॉन्सरशिप के नाम पे, तो अब मैंने छोड़ दिया स्पॉन्सरशिप मांगनी भी, क्योंकि देखा मैंने कि अब यहाँ पे मजाक होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ ना, यहाँ पे उनको सपोर्ट किया जाता है इनके पास अप्रोच हो, बाकी किसी को भी नहीं। आपके कहने का बेसिकली जो यहाँ पे जो हाँ पे सपोर्ट करते हैं उनको खुद समझ नहीं है स्पोर्ट्स क्या है। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ कि उनको खुद समझ नहीं है स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो भी बाकी पुराने हैं हुनर्स हैं जो इंटरनेशनल बेचारे घर पे बैठे हुए क्रिकेटर्स इतने सारे, किसी को भी नहीं मिला सपोर्ट, किसको मिला अभी तक? कुछ बेनिफिट्स मिले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा नारी जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक, आपने जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था वहाँ पे जाके आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो कैसा रहा, जो मतलब आपके जो टीममेट्स थे वगैरह उनके साथ जो एक्सपीरियंस? हमारी टीम में हम लोग पहले 6 बंदे थे,
तो एक डायबिटिक था, तो उनको फिर बेस कैंप में जब वो पहुँचे उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको वापस डिसेंड किया। उसके बाद हम लोग 5 बचे, उसमें से 2 थे हैदराबाद तेलंगाना, तुकाराम त्रिपुति, और 2 थे हस्बैंड वाइफ, शरद कुलकर्णी और अंजलि कुलकर्णी। तो शरद कुलकर्णी और अंजलि कुलकर्णी मेरे को अपनी बेटी मानते थे, बहुत अच्छा रिलेशन बना था फैमिली जैसा। मैं वहाँ पे किचन में अगर जुकाम खांसी होती है ठंड से, बस उसको कशिर पर तुम्हें बना होता है डरोन ठोल, बस हम मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या खाते हैं। तो मैं वहाँ पे जाती थी, कहवा भी मैंने बहुत बार वहाँ पे बनाया। मैं शर्म नहीं करती थी, जो आता था मैं किचन में जाके बना देती थी खुद के लिए। मेरे को प्याज की चटनी ज़रूरी होनी चाहिए, तो मैं हमेशा अपने लिए प्याज की चटनी बनाती थी वहाँ पे। तो बहुत अच्छा रिलेशन बना था। फिर जब हम लोग समिट पे जा रहे थे साउथ कोल जो है, वहाँ पे जो हमारे जो ये है अंजलि कुलकर्णी, उनकी डेथ हो गई बालकनी के पास ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, तो वो एग्जॉस्ट हो गई। तो वो बहुत बड़ा झटका लगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मतलब आपके साथ ही और अचानक से डेथ है ना, मतलब। और मैं बोलती हूँ हमारे जो कश्मीर में ना अच्छे हार्ट आसान ना वारिया सॉफ्ट अच्छे जल्दी ना पिघला वह मैं ऐसा बोलती हूँ। और हमारे जो रिलेशन है हर एक के साथ बहुत अच्छे से बनते हैं जल्दी अदर लोगों की वजह से। तो फिर जब उनकी डेथ हुई, जब मैंने वहाँ पे देखा, वो तब जिंदा थी बालगंज जब हम डिसेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे वो गई थी, तो उनकी सांसें चल रही थी, उनके हस्बैंड उनके पास गए, मैं नहीं जा पाई। वो खुश, मैं बोला यार क्या है, मतलब मैं बैठ गई एक जगह, मैं लोग शौक मैं बैठ गई। फिर वहाँ के जो शेर पर उन्होंने बोला आप डिसेंड करो। जब हम डिसेंड करने लगे, सच में अगर मेरे को पता है मैं कैसे चल रही हूँ, मैं 5-6 बार गिरी भी नीचे, बहुत गिरी, टाइम मेरे को लगा जैसे मैं भी मरूँगी, और आँखें भी बंद हुई। तब जाके मैं आँखें फुल बंद हुई, तो मेरे पेरेंट्स का चेहरा मेरे सामने आया, तब जाके मैं वापस उठी हूँ, क्योंकि उस टाइम पर रोज़े चल रहे थे। तो घर वाले उन 5 दिनों सोए नहीं है, कंटिन्यू मेरे लिए दुआएं और प्रेज कर रहे थे, खाली घर वाले नहीं पूरी दुनिया, मैं बोलूँ पूरा कश्मीर मेरे लिए दुआएं कर रहा था। कुछ लोग बददुआएं कर रहे थे, मैं आपको बोलूँ जब मेरा पोस्ट आया था कि वो निकली है सबमिट के लिए, तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया था हाँ अब आप लोग उसकी लाश ही देखोगे, ऐसे हमारे कश्मीर के लोग। कभी आपको लगा था जब अमाउंट क्लेम कर रही थी, कभी लगा था बस अब हो गया अब मुझे वापस जाना चाहिए? मैं हाँ ये देखा, आपने सही बात पूछी है मुझसे। मेरी तबीयत जो है ना कैंप 2 हमारा है वहाँ पे ख़राब होती थी, मुझे नहीं पता क्यों होती थी। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वहाँ पे पूरा कम हो जाता था। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो सीनियर जो कंपनी के थ्रू गए थे, तो उन्होंने बोला शायद से हमें वापस उसको डिसेंड करना पड़ेगा कैंप 2 से। फिर जो दूसरे वाले साथ थे उन्होंने बोला नहीं हम सुबह तक देखेंगे, अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं तो फिर हम इसको वापस डिसेंड करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे को भी बहुत बुरा लगा, मैं रो रही थी टेंट में। इवन मेरे पास एनर्जी टीम ना इंडियन आर्मी की है, वो आए शाम को, नहले तू बीमार है तू ठीक, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं। मैं मेरी सबके साथ वहाँ पे बहुत अच्छी बनती थी। तो फिर जब सुबह में उठी मेरी तबीयत ठीक थी, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था, तो फिर सर ने बोला नहीं इसको आगे भेज। फिर मैं कैंप 2 से जब भी निकली तो मेरी तबीयत भी ठीक थी, कुछ होता नहीं था। तो जो वहाँ पे मेरे को सब कश्मीर की कली करके बुलाते थे, मतलब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे लाशों के ऊपर से आपको गुजरना पड़ता है, लाश आपके सामने उनको क्रॉस करना पड़ता है। तो क्या मैं बोलूँ, मतलब और जितना भी बोलूँ बहुत सारी बातें हैं, तो आपका टाइम भी शायद से फिर ख़त्म ही हो जाए, तो वरना मैं आपको टिल डेट सब कुछ स्टोरी बताती क्या होती है हकीकत इस चीज़ की, क्योंकि ये वही जानता है जो क्राइम करता है जो वहाँ जाता है। यहाँ पे बैठे लोग बोलेंगे आपको शेरपा लेकर जाता है, सॉरी मैं उसके खिलाफ हूँ, शेरपा आपको खींच कर वहाँ नहीं लेकर जाता है। इवन मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी, यहाँ पे हुआ यूँ मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, तो जो मेरे शेरपा है उसने मुझे बोला अगर देखो ऑक्सीजन चाहिए देखो 2 सिलेंडर कैरी करने पड़ेंगे, और मैंने खुद 2 सिलेंडर कैरी किए, क्योंकि मुझे पता था अपनी लाइफ है तो बस शेरपा को क्या है, उसका बोनस उसको मिल गया। आप समिट पे पहुंचे उसको आपको बोनस देना ही देना, फिर क्लाइंट भाड़ में जाए कहाँ जाए उसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं कहा कोई नहीं, मैं वही बस वाला वादा वादा नजब पतवरसा ना, मतलब वहाँ से एक तो पहली कमर टूट गई थी अंजलि कुलकर्णी मैम की डेथ हो गई, तो फिर वहाँ से फिर शेरपा लोग ऐसे यार आप जाओ खुद ही उतारो सारा सामान, मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि जितना भी मैं बोलूँ उतना कम है। मैंने बहुत रोया भी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा रोया है, बस और मैं कुछ नहीं कहूँगी। फाइनल सबमिशन जब आपका हुआ वहाँ पे, उस वक्त जो खुशी है
वो किस तरीके की थी? मैं वही खुशी भी, मैं वही बोलूँ खुशी भी मानूँ या गम भी, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि खुशी तो थी, हाँ साथ ही की डेथ हो गई जो मेरे को अपनी बेटी मानते थे, तो फिर ये एक शौक था मेरे लिए, फिर खुशी भी मिली घर आके, बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर कश्मीर में वही एज यू नो कंट्रोवर्सी, यहाँ पे आसानी उतर गई यूट्यूब वर्जिस बेचारिस इद्रीस, मैं उसका पेज भी बेचारे का बंद करा रहे पैर तुले हुए थे बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा वापस आते हैं कश्मीर पे, आप कश्मीर में जो स्पोर्ट्स है इसको कहाँ कहाँ देख रहे हो, कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है इस स्पोर्ट्स को लेकर? यहाँ पे क्या है, एक लड़कियाँ हैं वो जाती है ट्रैक पे, बट वो कैंपिंग पे नहीं जा पाती, सॉरी घर वालों के सपोर्ट की वजह से शायद, या सोसाइटी के बारे में वो लोग समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ लड़कियाँ सामने हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसे हैं कश्मीर में जिन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई एक्टिविटी की ही नहीं, मैं चाहती हूँ उनको बोला आप जो है अगर आपको है इंटरेस्ट एडवेंचर में आप वो पूरा करें, ताकि हमारे कश्मीर की जो बेटियाँ हैं एडवेंचर फील्ड में अपना नाम रोशन करें, ताकि लोगों को भी पता चले कश्मीर में भी एडवेंचर कुछ है, परंतु अदरवाइज यहाँ पर कश्मीर में बोलते कश्मीर में कोई एडवेंचर, आप देखो अदर स्टेट्स उत्तराखंड के, आप देखो कितने सारे बच्चे हैं, कितनी लड़की हैं वहाँ पे, या आप मनाली के लोग, राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, मतलब ऐसी जगहों के, पुणे महाराष्ट्र हैदराबाद यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाए, मैं चाहती हूँ कश्मीर के भी लोग ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाए और एडवेंचर कोर्सेज करें, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करें, ताकि वो भी कुछ एक्सपीडिशंस हासिल करें, ताकि हम भी अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। दादाजी कश्मीर में आपने कोई पहाड़ क्लाइंब किया? हाँ कश्मीर में श्रीनगर की पहले 2018 में विंटर में माउंट महादेव किया, उसके बाद यहाँ पे जो लेक्स है वो बहुत सारी की है मैंने कश्मीर में, और ये टटाकुटी पीक है उसका अटेम्प्ट किया है, और रिसेंटली अभी सितंबर एंडिंग में ड्यू टू सम रीज़न थोड़ा एक्सप्रेशन लेट हो गया, परमिशन आने में लेट हो गई, माउंट कॉल है जो हमारी कश्मीर की हाईएस्ट पीक है, तो वहाँ पे हम लोग हाफ गए, तो फिर वहाँ पे वेदर ख़राब हुआ स्नो फर्स्ट में, मैंने बोला टीम को डिसेंड करो, क्योंकि मैं एज अ लीडर थी तो मैं, मेरे को डिसीजन एज अ लीडर लेना था वहाँ पर, क्योंकि मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारे माउंटेनिंग में एक है डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लावा, हमारा ये है कि अगर पहाड़ जब तक आपको ना बुलाए आप वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसा रूल, अगर आप ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करोगे वहाँ पे तो पहाड़ आपको कुछ ना कुछ तो आपको ना भुगतना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछा, हाँ अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जब उस कश्मीर के पहाड़ क्लाइंब कर रहे थे आपके साथ जो फीमेल कोलीग्स थी वो कितनी थी? फीमेल थी नहीं कोई, ये इतनी फीमेल कोई नहीं थी, पहले भी लड़के थे उसके बाद भी लड़के थे और अभी भी लड़के थे। हाँ लेक्स के लिए मैं, अब जैसे मैंने बोला लेक्स मैंने की 3 डे जो एडवेंचर कंपनी में स्टार्ट की कोविड में, मैंने कुछ कैंपिंग की उसमें, एक तो कुछ लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, 4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, वो 3 दिन मेरे साथ नाइट पे कैंपिंग पे आती थी, मतलब हर कैंप में 2 लड़कियां होती थी मेरे साथ। आपका कहने का मतलब है अभी भी कश्मीर में वो सोशल स्टिग्मा है लड़कियों को आगे नहीं मिलती? हाँ वैसे आप देख ही सकते हो, अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहते गाड़े छिमन, फिर आधे लोग कुछ ऐसे होते हैं वो फिर डर जाते बेचारे घर पर ही बैठते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि सोसाइटी ऐसे बोल रही है, ये नहीं है कि यार एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ो, ऐसा नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट मिले, वो हिम्मत ना हारे, मतलब एडवेंचर में आए, मैं चाहती हूँ कि वो एडवेंचर में ही आए, जितनी भी सारी लड़की हैं वो एडवेंचर ज्वाइन करें, वो भी देखे कि नेचर के साथ जुड़ने का मज़ा ही कुछ और है। नहरा जी बहुत सारे लोग आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं इस टाइम, आपकी क्या मैसेज होगी उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं, स्पेशली वुमेन साइड टैलेंटेड है लेकिन सोशल स्टिग्मा या घर की जो वजह से उनको प्रेशराइज किया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आपकी क्या मैसेज होगा? मैं हमेशा यही बोलती हूँ और बोलती रहूँगी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर एक मुश्किल में सपोर्ट किया, अगर एक बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो वो हर एक मुश्किल पार कर सकता है, बाकी लोगों को तो बोलने की आदत है उनका, ना आप चुप करा सकते हो ना मैं चुप करा सकती हूँ, बस आप अपने बच्चे के टैलेंट पे ध्यान दो ताकि वो अपना जो उनके अंदर टैलेंट है वो बाहर निकाले और आप लोगों का नाम रोशन करे और अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल करे। शुक्रिया नाहिदा जी हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ये थे नाहिदा मंजूर साहिबा जिन्होंने पहली कश्मीर की ऐसी खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, वहाँ पे अपना सबमिशन दर्ज किया। नाजरीन हमारी भी यहाँ पे एक मैसेज होगी, जो आपकी जो
डॉटर्स हैं फीमेल घर में, उनको पूरी आज़ादी दीजिए ताकि वो भी अपने जो सपने हैं पूरे कर सकें। देखते रहें कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।